हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने मजदूरों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश के मजदूरों के पंजीकरण के लिए बोर्ड विशेष अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत मार्च तक 5 लाख मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात शिमला में कामगार बोर्ड के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि जयराम सरकार ने प्रदेश के असंगठित मजदूरों के लिए योजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 6 से 13 किया है। वहीं प्रदेश में 13 स्थानों पर बोर्ड के कार्यालय खोले गए हैं। अभी 3.5 लाख पंजीकृत मजदूर हैं। मार्च तक 5 लाख मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है। यह कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी किया जा सकता है। मजदूरों के बच्चों की शादी के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, बेटी के जन्म पर उपहार योजना जैसे अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में मिशन रिपीट होगा। की हमारी जो पत्रकार वार्ता हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड, जो मजदूरों के लिए बेहतरीन योजनाएं और माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो पहले 6 योजनाएं थी उनकी संख्या भी बढ़ाई, 13 योजनाएं की हैं, अमाउंट भी बढ़ाया मजदूरों के लिए, मजदूरों की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट में बढ़ोतरी की, और जो पंजीकरण की व्यवस्था है, जो लोग छूट गए हिमाचल प्रदेश के अंदर उनके पंजीकरण के लिए भी हम अवेयरनेस कैंप पूरे हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे। मिशन 2022 फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बने, इसलिए जो प्रदेश के मजदूरों के लिए भी जो योजनाओं में कुछ सुझाव आए थे, प्रदेश भर का प्रवास किया, लगभग सभी जिलों का प्रवास करके जो सुझाव वहां से आए हमने वो सारे सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे और उन्होंने कैबिनेट में पारित करके सारे फैसले मजदूरों के हित में किए। प्रदेश की सरकार मजदूरों के विकास के लिए नई योजनाओं और बाकी सारे विषयों के लिए भी कृत संकल्प है। माननीय जयराम ठाकुर जी ने और हमारे जो उद्योग मंत्री हैं विक्रम ठाकुर जी ने भी लगातार स्वयं प्रवास करके और मजदूरों का बेहतर और उनके बच्चों का, विशेषकर मैंने कहा है, हमने जो सुझाव भी रखा था कि बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा के बजट में भी कई गुना बढ़ोतरी की है, और योजनाओं का भी हमने कहा ही है कि जो छूट गए हैं मजदूर उनको भी हम पंजीकरण के लिए हमारा बोर्ड एक बड़ी योजना के साथ गांव-गांव तक इंटीरियर क्षेत्रों में भी पहुंचेंगे, ताकि जो मजदूर छूटे हैं उनको भी इन सारी योजनाओं का लाभ मिले। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर भी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान कामगार कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश में है और हम बाकी योजनाओं के लिए भी संपर्क करके मजदूरों को इसके साथ जोड़ेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।